एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं बनाऊंगी पानी पूरी। और ये मैंने आलू ले लिया है, इसको मैं अच्छे से वॉश करके गैस पे चढ़ा दूंगी। 3 सीटी के लगने के बाद मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगी। ये एक पोर से थोड़ा बेसी आलू है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। एंड ये इमली है जिसको मैंने हल्का गर्म पानी में फुला करके छोड़ दिया है, देख रहे हैं। देखिए मैंने इसको वॉश करके चढ़ा दिया है। 3 सीटी लगने के बाद मैं इसको ओपन करूँगी। उसके बाद मैं इसको इमली को मैश करूंगी हाथों की मदद से। उसके बाद मैं इसको चलनी से छान लूंगी। देखिए मैं इसको हाथों की मदद से मैश कर रही हूँ। उसके बाद जो है इसमें से कुछ हाथ छान लूंगी और फिर इस पानी को मैं चलनी से छान लूंगी। देखिए मैं इसको छान ली हूँ। और लगाऊंगी ये चाय का छलनी है, धीरे धीरे करना है। एक बैठ जाए तो सारा गंदा पानी चला जाएगा अंदर। ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा था इसलिए मैंने इसमें पानी डाल के मैंने इसको किया है कि जल्दी हो जाए। देखिए आपने मैं इसको चल रही हूँ, मैं इसको बड़ी पतली में रखें और इसको 3 सीटी लग चुका है। मैं गैस पर बंद कर दूँगी और इसको 2 से 5 मिनट लिए मैं गैस पर ही छोड़ दूँगी। मतलब इसका गैस निकल जाएगा। उसके बाद इसको ओपन करूँगी मैं इसको। उसके बाद इस पानी में मैं नमक, जीरा पाउडर, हरी मिर्चा, उसके बाद ये जलजीरा का पैकेट है मैं इसको इसमें पूरा डाल दूँगी। और लाल मिर्च डाल दूँगी मैं इसमें और नमक डाल दूँगी। नमक अपने टेस्ट के अनुसार डालें और काली मिर्च भी मैं डाल दूँगी इसमें। इसमें मैं पानी और दूँगी, पहले तो इसमें पूरा जलजीरा को मिला दूँगी इसमें। मैंने मिला दिया है। उसके बाद 2 चम्मच नमक डाल दूँगी मैं इसमें 2 चम्मच नमक डाल दूँगी। आप टेस्ट के अनुसार डालें, फिर चख के बाद में डाल दूँगी अगर कम होगा तो। उसके बाद आधी चम्मच मैं मिर्चा डाल दूँगी। उसके बाद आधे से भी कम मैं ये डाल दूँगी जीरा मिर्च। उसके बाद इसको मिक्स करके नमक से खोलेंगे, ऐसे पानी थोड़ा और ऐड करूँगी मैं। उसके बाद एक कड़छी से मैं चलाऊँगी। मैं बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ आपको, ये टफ भी नहीं है और आप किसी टाइम भी बना सकते हैं आराम से। इसको आप किसी टाइम भी बना सकते हैं आराम से, जब खाने का मन हो तब बना सकते हैं। मैं ज़्यादा टफ करके बता रही हूँ, मैं बहुत इजी तरीके से बता रही हूँ आपको। इसमें मैं पानी और डाल दूँगी। देखिए मैंने पानी और ऐड कर दिया इसमें थोड़ा सा, फिर मैं चख लूँगी इसको अपने टेस्ट के अनुसार। एकदम परफेक्ट बना है ये मिक्सर। और कुकर को भी 7-5 मिनट हो चुके हैं, अब इसको मैं ओपन करूँगी। उसके बाद ये हरी मिर्च है और ये प्याज मैंने काट लिया है 2 मीडियम साइज़ के। ये मैं आलू में मिक्स करूँगी। तो इसको 5 मिनट में इसको ओपन करूँगी, अब देखूँगी कि आलू गले हैं कि नहीं गले हैं। देखिए मैं नाइफ़ की मदद से चेक करूँगी आलू को। देखिए आलू कितने अच्छे से गल चुके हैं। देखें ये चल रही है, मैं आलू को निकाल लूँगी, पानी गर्म पानी छाना जाएंगे। देखिए मैंने इसको छान लिया है, कितने गर्म है ये। इसको ठंडा होने के बाद छीलूँगी। देखिए मैंने एक कढ़ाई चढ़ा दिया है, मैं तो ऑयल गर्म करूँगी जब तक उधर आलू छिला रहे हैं। देखिए मैंने ऑयल चढ़ा दिया है और ये चिप्स है, इसी के मैं गुपचुप तलूँगी। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर में मिल जाएगा जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। देखिए मैं गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी क्योंकि जल्दी गर्म हो जाए, फिर इसको मीडियम कर दूँगी। ज़्यादा हाई पे नहीं करूँगी वरना वो झरक झरक जाएंगे। गर्म हो चुका है, उसके बाद मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूँगी। उसके बाद मैं 4-5 करके डालूँगी इसमें, पहले मैं 2 करके देखती हूँ। उसके बाद मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए कितने अच्छे से फूले फूले हो रहे हैं। इसको हल्का ऊपर नीचे करते हैं कि चारों तरफ से सेक आ जाए। देखिए ये हो चुका है, इसको छान लूँगी। इसके बाद बेसी बेसी करके डालूँगी, चलाते रहें चलाते रहें। मैं गैस अपने बाद स्लो कर दूँगी, बहुत जल्दी लाल हो जा रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा ब्राउन हो गए हैं, तो निकाल लूँगी। देखिए इसमें एक नई फूले हैं, मैं इसको भरता में मैश कर दूँगी। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है।
देखिए आलू मैश हो रहा है, इसको अच्छे से मैश कर लें। ग्लास की मदद से कर रही हैं क्योंकि यहाँ जले ना, क्योंकि आलू बहुत ज़्यादा गर्म है इसीलिए। उसके बाद ये प्याज मिर्चा है, इसको उसी में मिक्स किया जाएगा। और ये जलजीरा है, खट्टापन ज़्यादा अच्छा लगता है इसीलिए। आप इसमें अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये इसमें 2 चुटकी के आसपास नमक दे दूंगी क्योंकि पानी में नमक है इसीलिए। उसके बाद इसमें प्याज मिर्चा डाल देंगे, इसको मिक्स कर देना है हाथ की मदद से। और आप नमक को चकलिया टेस्ट के अनुसार, इसमें आप चना भी मिला सकती हैं या फिर आप स्किप भी कर सकती हैं, वो आप डिपेंड करता है। चना बादाम जो भी हो वो डाल सकते हैं आप इसमें, अगर नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, कोई वो ज़रूरी नहीं है। देखिए पानी पूरी बन चुके हैं, मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ आपको। देखिए मेरे पानी पूरी तैयार हो चुके हैं। आप इस पानी में धनिया पत्ता को पीस करके भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मैंने बहुत ईजी तरीके से बनाया है। सिर्फ 10 मिनट में ये बन के तैयार हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। मैं आपको एक तोड़ करके दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी बनाई है। देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ इसको, देखिए कितना ज़्यादा क्रिस्पी है। मैं एक खा करके दिखाती हूँ आपको कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ये। देखिए मैंने इसमें भर लिया, मैं आपको खा करके दिखाती हूँ कितना ज़्यादा क्रिस्पी है ये। देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी बना है।